तो कल आलोक से मिला, उसने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा कि भैया आप हर जगह बोलते रहते हो, रील्स पे, यूट्यूब पे, वीडियो पे, न्यूज़लेटर पे, हर जगह कि लैंग्वेज सीखो तो जावास्क्रिप्ट, लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी कितना कुछ है सीखने को भैया, रिएक्ट है, व्यू है, एंगुलर है, नोड जेएस है, ये है, बन है, फलान है, डकान है, टाइपस्क्रिप्ट है, तो मैं क्या सीखूं, कहां से शुरू करूं इस चीज को? मैंने कहा रिएक्ट, और उसके बाद जो बात हुई वो है ये वीडियो। मेरी बात आप क्यों सुने, मैंने 4 साल माइक्रोसॉफ्ट में रिएक्ट के ऊपर काफी एप्स बनाए हैं, आपने भी यूज किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हर जगह मैंने रिएक्ट का कोड लिखा है। आज अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट का ऐप यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप मेरा कोड रन कर रहे हैं। और यही नहीं, कई हजारों बच्चों को पढ़ाकर उनकी पहली नौकरी, पहली डेव जॉब भी लगाई है, तो मुझे करना भी आता है और सिखाना भी आता है। तो जैसे ही मैंने कहा रिएक्ट, आलोक का पहला क्वेश्चन है कि भैया रिएक्ट ही क्यों? तो मैंने आलोक को कहा कि देखो आलोक, सबसे पहले जरूरी है डिमांड समझना, जहां डिमांड है वहां की सप्लाई बनानी चाहिए। तो तुम्हारे पास लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे जाकर बस रिएक्ट जॉब सर्च करो, तुम्हें दिखेगा कि 30,000 से भी ज्यादा जॉब्स रिएक्ट में है, वो भी इस रिसेशन के टाइम में, वो तो सिर्फ लिंक्डइन पे है। अगर तुम बाकी जगह सर्च करोगे अलग अलग पोर्टल्स पे, तो तुम्हें दिखेगा कि काफी सारे रिएक्ट के जॉब्स हैं अवेलेबल आज भी रिसेशन के टाइम पर भी। तो सोचो क्या खतरनाक डिमांड है। फिर आलोक ने मुझसे पूछा कि भैया क्या रिएक्ट इतना पॉपुलर है? देखो पॉपुलैरिटी की बात जब हम करते हैं तो हमें स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे के बारे में बात करनी चाहिए, और मैं हर बार हर वीडियो में ये चीज कहता हूँ कि इन सर्वे से समझो कि कौन सी टेक्नोलॉजी अप है या डाउन है। 2022 के इस सर्वे में काफी क्लियरली निकल कर आया कि रिएक्ट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क। इसके ऊपर जो नोड जेएस है वो भी जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है, और अगर आप रिएक्ट सीखोगे तो नोड जेएस सीखना इतना कुछ मुश्किल नहीं रह जाता है। आलोक ने बोला भैया रिएक्ट क्या सिर्फ स्टार्टअप्स यूज करते हैं? मुझे ना बड़ी कंपनी में काम करने का मन है, तो बड़ी कंपनी में भी रिएक्ट के यूसेज होते हैं? कही कर लो बात, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में 4 साल क्या किया बंधु, रिएक्ट ही तो किया। आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और कितने सारे प्रोडक्ट रिएक्ट में ही लिखे जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे थे जो C++ में थे, उनको रीराइट किया जा रहा है रिएक्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट तो इज अ थ्रू एंड थ्रू रिएक्ट शॉप, फेसबुक तो है ही है, उसके अलावा नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, फ्लिपकार्ट, उडेमी, शॉपिफाई, एक नहीं कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज रिएक्ट यूज करती है। और आलोक को मैंने एक और चीज बोली कि तुम्हें पता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? आलोक ने बोला नहीं भैया। तो मैंने बताया कि देख, जब बहुत सारे डेवलपर्स एक टूल को यूज करते हैं, एक लाइब्रेरी को यूज करते हैं, तो उसके अराउंड इकोसिस्टम में बहुत सारी लाइब्रेरीज डेवलप हो जाती हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये टूल फटीग है। भैया टूल फटीग क्या होता है? टूल फटीग ये होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दो ही ऑप्शन चाहिए, उनको सुबह चावल, रात शाम में रोटी खानी है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत अच्छा बूफे अच्छा लगता है। रिएक्ट में एक पूरा बूफे है, रिएक्ट में काफी सारे ऑप्शंस हैं चुनने के लिए। इसका फायदा ये होता है कि आप अपने हिसाब से चीजों को चुनकर लगा सकते हैं, आपके लिए सारी चॉइसेस प्री डिटरमाइंड नहीं है, और जो चॉइसेस आपको करनी है वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। इसका एक और फायदा होता है, इतने सारे चॉइसेस के कारण अगर आपको कुछ अलग करना है, आपको ये कोड खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका क्या फायदा होता है? अगर आप कम कोड खुद से लिखोगे तो कम बग खुद से इंट्रोड्यूस करोगे, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में लिख लोगे, तो प्रोडक्शन भी फास्ट हुआ, क्वालिटी भी बेटर हुई। किससे? इकोसिस्टम टूल से। तो रिएक्ट का एक ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इसको बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, तो बड़ी कंपनीज अपने लाइब्रेरीज, अपने टूल्स रिएक्ट वाले ओपन सोर्स में पब्लिश भी करती हैं। लोग भी काफी चालाक लड़का है, उसने पूछा कि भैया बाकी सब ठीक है, लेकिन लोग ट्विटर पे बोलते हैं कि रिएक्ट को प्रोडक्शन में डालना बहुत मुश्किल है। बात उसकी सही है, ये थी प्रॉब्लम, रिएक्ट को प्रोडक्शन में डालना, और उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं सर्वर साइड रेंडरिंग को लेके, क्लाइंट साइड रेंडरिंग को लेके, तो बड़ी टीम लगती थी पहले। लेकिन अब नेक्स्ट जेएस इन चीजों को, नेक्स्ट जेएस एक रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, इन चीजों को काफी सिंप्लीफाई कर चुका है। यहाँ इनवैक्ट में भी हम नेक्स्ट जेएस ही यूज कर रहे हैं, काफी सारी छोटी बड़ी कंपनीज नेक्स्ट जेएस यूज कर रही है आज के टाइम पे। तो अब आपको उतनी बड़ी टीम नहीं चाहिए रिएक्ट को प्रोडक्शन में ले जाने के लिए, अब आप छोटी टीम प्लस नेक्स्ट जेएस को यूज करके एक बहुत ही शानदार प्रोडक्शन ग्रेड ऐप बना सकते हैं। इसके पहले कि मैं बाय कहता, आलोक ने बोला भैया एक और लास्ट क्वेश्चन, रिएक्ट में सीखने में बाकी चीजें मतलब फ्यूचर प्रूफ वगैरह, भैया आप समझ रहे हो? बोला कि देख उसकी भी टेंशन मत ले, सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम पे एक बहुत ही पॉपुलर मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, उसका नाम है रिएक्ट नेटिव। उसके थ्रू आप मोबाइल एप्स बना सकते हो। तो अगर कल को तुम्हें मन किया कि यार मुझे मोबाइल एप्स बनाने का मन है, तो तुम रिएक्ट नेटिव में शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि जो हम मेटावर्स बना रहे हैं इनवैक्ट में, वो भी रिएक्ट में बना हुआ है, रिएक्ट 3 फाइबर में, क्योंकि रिएक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर है, जो नए टूल्स आते हैं या फ्यूचर प्लेटफॉर्म आते हैं वो रिएक्ट कंपैटिबल होते हैं। तो आज आप रिएक्ट के थ्रू
एक मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, टीवी ऐप, वीआर ऐप, सब लिख सकते हो, वेब ऐप लिख तो सकते ही हो। तो फिर मैंने आलोक से पूछा कि आलोक तुमने इस पूरे कॉन्वर्सेशन में क्या सीखा, और आलोक ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, भैया मैंने ये सीखा कि अगर फ्रेमवर्क सीखने हैं नहीं तो रिएक्ट ही है सही। चलो काफी अच्छा वीडियो रहा, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर बाकी दोस्त परेशान हो रहे हैं कि क्या सीखा जाए तो उनसे जरूर से शेयर कर देना, लेकिन कमेंट में जाते जाते इतना बता जाना कि तुम आजकल कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि ब्रेव ब्राउजर की यूसेज बहुत बड़ी हुई है, तुम कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट के लिए या बाकी चीजों के लिए।